हेलो फ्रेंडस हा आर यू आई होप यू विल फाइन सो इन दिस वीडियो टॉक अब ट्रांसजेंडेंटेज़म आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसेंडेंटलिजम के बारे में जो कि डार्क रोमेंटम की बात एक मूवमेंट था अमेरिकन लिटरेचर में और बाज क्रिटिक्स दे कंसिडर दिस ट्रांसजेंडेंटलिज्म मूवमेंट इज़ अ ब्रांच ऑफ रोमांटिजम ओके सो दिस ट्रांसजेंडेंटलिज़म अमेरिकन लिटरेचर में बहुत अहमियत रखता है और ट्रांसेंड का मतलब क्या है ट्रांसेंड इज समथिंग कम्स सम्राम अबा ट्रांसेंड का मतलब यह है कि जो चीज़ ऊपर से आती हो ओके ट्रांसेंडेंटलिज्म अगर इस हम अगर हम इस टर्म को देखें सो दिस ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट फॉर स्टार्ट समवेयर अराउंड इट वॉज स्टार्ट अराउंड एटीन फोटी टू एटीन सिक्सटी ओके इस टाइम पीरियड को ट्रांसेंडेंटल uh, पीरियड uh, कहा जाता है अमेरिकन लिटरेचर में ट्रांजेंडेंटल मूवमेंट कहा जाता है सॉरी अमेरिकन लिटरेचर में ओके सो ट्रांजेंड इज़ समथिंग विच कम्स फ्राम अबाउ इन दे से दैट ह्यूमन सोल इज़ वन विद गॉड ओके ये जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे उनकी ये बिलीफ थी कि ह्यूमन सोल जो है ना वो गॉड uh, के साथ एक है ओके okay? ह्यूमन सोल और गॉड की सोल जो है ना वो एक है मतलब ह्यूमन इज गॉड इज़ विद इन सोल ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमन सोल इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद गॉड ह्यूमन सोल जो है ना वो डायरेक्टली लिंक होता है किसके साथ गॉड के साथ ओके okay? क्योंकि ज्यादातर अगर हम बात करें ज़्यादातर ऐसे अगर कोई हादसा किसी के साथ होता है तो उनकी जहन में पहले से आता है कि मेरे साथ ये हो हो सकता है ओके okay? मेरे साथ ये होने जा रहा है उनके जहन में इस तरह की सोच आता है okay so this is what transcendentalist uh, writers talks up, uh, talk about okay that human soul is linked with god human soul is directly linked with god or human soul is one with god okay in this movement, transcendentalism was uh, originated in france. both say movement, which is, both the literary genres, or france, And this transcendentalism, it was also originated in france. Okay, and one of the features of uh, transcendentalism is to live in prison. Okay? so they value simplicity and fashion, self-reliance, uh, क्लोजनेस टू नेचर ओके वो किस चीज़ को वैल्यू करते हैं राइटर सिंप्लिसिटी को ओके okay? एंटेशन को सेल्फ रिलायंस को और नेचर के साथ क्लोज रहने को इस चीज़ को ये जो राइटर है राइटर्स हैं ये आ, ये वैल्यू करते हैं ओके okay? they say the hum one uh, because the soul is considered as divine part of God so truth is found found through intuition and self reliance वो कहते हैं कि जो, जो जैसा कि हम consider करते हैं soul को किस चीज के साथ कि this is the divine part of God तो अगर हम ये बात करते हैं तो पर हम truth किस चीज के साथ find करते हैं किस चीज़ के साथ इंटवेसन के साथ और सेल्फ रिलायंस के साथ इन दो चीज़ों के साथ हम ट्रुथ फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारा यकीन ये है कि ह्यूमन सोल okay? so, इस कंसिडर एज डिवाइन फार ओके सो इस दिस ये जो मोमेंट था दिस मोमेंट वाज़ बिगिन विद पोर्ल्ड एमरसन एज ए नेचर विच वर्टी सिक्स में राल पोअर्ल्ड एमरसन ने एक ऐसे लिखी थी जिसका नाम था नेचर और इस नेचर इसे में जो है ना उस नेचर इसे से इस ट्रांसजेंडेंडलज़म मूवमेंट की आ, स्टार्ट होती है और इमर्सन के बारे में अगर हम बात करें तो इमर्सन इस कंसेडर इज़ फादर ऑफ़ ओके ही इज़ द फादर ऑफ़ ट्रांसजेंडेंडलज़म और 1836 में उन्होंने एक लिख की थी नेचर उसमें उन्होंने बात की थी इस मूवमेंट के बारे में ओके okay? सो so,

इस कोट में एमरसन की कि आम फार्टिकल ऑफ गाड के मे गाड है ना उनका वो गाड का एक हिस्सा हो ओके okay? तो इस चीज़ से हमें uh, ये इस चीज़ से स्टार्ट होती है ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट इन वर्ल्ड से ओके कि आई एम पार्ट और पार्टिकल ऑफ गाट सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसेंडेंटलिज्म तो अब बात करते हैं चंद राइटर्स के इन आ, इन ट्रांसजेंडेजम पीरियड की तो आपको यहाँ पे वन ऑफ़ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ ट्रांसजेंडेंटलिज़म इज़ एमरसन ओके राल्फ वॉल्ड एमरसन इसके साथ डेविड दाव, थार्यू है ओके वॉल्ट विट है उनकी राइटिंग्स में आपको ट्रांसजेंडेंटलिज़म नज़र आएगा और जो भी बातें मैंने की थी मोस्ट ऑफ दम यू विल गाइंड आउट इन द राइटिंग्स ऑफ दिज राइटर्स ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रांसजेंडेंटलिज़म आई होप दैट यू मस्ट Have liked this video, and if you did, then please subscribe the channel. Thank you so much for watching the video.